राहुल गांधी को मैं शुरू से बहुत चाहता हूँ, बहुत मानता हूँ, बहुत बहुत चाहता हूँ। अच्छे नेता राहुल गांधी, ये न्याय नहीं है, अन्याय है, हिटलर सही है, हिटलर सही है। बीजेपी में जाओ तो वाशिंग मशीन है, वहां से निकल जाता है फ्रेश होकर। रात को बोलते हैं कि 70 करोड़ घोटाला किया है, सुबह बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद वो फ्री होकर निकल जाता है। हम लोगों से जुड़ेंगे, जानने कोशिश करेंगे क्या लग रहा है यात्रा पहुंचने वाली राहुल गांधी की। आप लोग यहां सुबह से खड़े हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। राहुल गांधी का बहुत बड़ा फैन है, हम राहुल गांधी के फैन है, बहुत बड़ा फैन है राहुल गांधी। आई लव प्रियंका गांधी, आई लव। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? राहुल गांधी को मैं शुरू से बहुत चाहता हूँ, बहुत मानता हूँ, बहुत बहुत चाहता हूँ। अच्छे नेता राहुल गांधी जी, लेकिन बीजेपी के लिए क्वालिटी नहीं उनके अंदर। नहीं, राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता, बहुत अच्छे नेता है। क्या लगा राहुल गांधी की यात्रा से बदलाव होगा? बहुत अच्छा बदलाव होगा दुनिया के अंदर, दुनिया के अंदर बहुत अच्छा बदलाव होगा। क्या लग रहा है, यात्रा पहुंच रही है, सुबह से इंतजार कर रहे हैं, तो क्या प्रभाव होगा इसका? कुछ बहुत अच्छा प्रभाव होगा यहाँ पर, पूरे भारत में प्रभाव होना है इसका। न्याय यात्रा राहुल जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारे राज्य में न्याय हो रहा है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। कहाँ लोकतंत्र, बीजेपी में जाओ तो वाशिंग मशीन है, वहाँ से निकल जाता है फ्रेश होके। रात को बोलते हैं कि 70 करोड़ 80 करोड़ घोटाला किया है, सुबह बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद वो फ्री होके निकल जाता है, फ्रेश हो जाता है वो। ये न्याय नहीं है, अन्याय है, हिटलर शाही है, हिटलर शाही है। हाँ, करे लोकतंत्र मजबूत हुआ है। कहाँ लोकतंत्र, आप भी जान रहे हो, आप सबसे बड़े आप मीडिया हैं भैया, आपको मालूम है कि आप लोग कितने अच्छे हैं, कितने वो हैं। दो पंचवर्षीय योजना हो गई, तीसरा चल रहा है, एक भी प्रेस वार्ता किए प्रधानमंत्री जी? मनमोहन सिंह तो करते थे, ये तो कर ही नहीं रहे प्रेस वार्ता। बस तो क्या लगता है, प्रधानमंत्री कह दिए 400 पार जा रहे हैं? वो तो 400 पार तो जाएंगे वो, क्योंकि सब आप लोग सब समझते हैं, उसको बोलने की हमको जरूरत नहीं है, है ना। 400 पार 425 चले जाए, लेकिन न्याय नहीं हो रहा भारत में, न्याय नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। किसान लोग कितने मर रहे हैं देखे हैं आप, 700 किसान मर गए, एक दिन को देखने नहीं आया प्रधानमंत्री महोदय जी। किसान से हमारा रोटी रोटी चलता है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे हमारी सरकार में न्याय होगा, गरीब का राज आ गया है तो कह रहे हैं। कहाँ गरीब, कहीं कोई गरीब का राज नहीं है भैया, सब ऐसी है तो कह रहे हैं, विदेशों में डंका बज रहा है। अरे मीडिया दिखा रही है, जमीन में आके देखिए कैसे क्या है कैसे नहीं है। 700-800 किसान मर गए, कम बात ही बड़ा था भैया। दिल्ली में जो बैठे थे किसान, 700 आदमी मर गए किसान, किसान की क्या गलती बताइए मेरे को आप, वो क्यों मर गए बताइए मेरे को। 24 में फिर क्या चाहते हैं बताइए, 24 में बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, होगा बदलाव, होगा, न्याय मिल पाएगा, न्याय मिलेगा। क्या कहेंगे, अगर आज ईवीएम हट जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज ईवीएम हट जाए तो, ये ईवीएम का घोटाला है, छत्तीसगढ़ राजस्थान और एमपी तीनों जगह से हमारा कांग्रेस जीत रहा था, लेकिन ईवीएम का खेला ने खेला कर दिखाया। अच्छा ये बताइए, अब न्याय यात्रा निकाले, न्याय मिलेगा? एकदम मिलेगा, प्रधानमंत्री का न्याय हम दे रहे हैं जी। नहीं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लोगों की बड़ी भीड़ है जो राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं और राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे, यात्रा पहुँच रही है आपके इस एरिया में, आप कब से इंतजार कर रहे हैं, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा कुछ? हम गोपाल नारायण सिंह जी के साथ में हैं और राहुल गांधी जी का जो न्याय यात्रा है, हम उनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो जनता का साथ मिल रहा है राहुल को? हाँ मिल रहा है, आप पूरा देख लीजिए, जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से बंगाल होते हुए झारखंड होते हुए आप देख रहे होंगे, दिल्ली आप लोग को इसका कवरेज देख रहे होंगे, समर्थन तो भरपूर मिल रही है और समर्थन दिख भी रहा है। आज भी आप देखेंगे सीतामढ़ी से होगा रैली, आप भी कवरेज करेंगे, आपको दिखेगा भीड़ उनके साथ में है कि नहीं है। हमको पैसा दे के यहाँ नहीं बुलाया गया है, हम स्वेच्छा से आए, ये हेलमेट हम लोग, आप कांग्रेसी नहीं है? हम कांग्रेसी भी हैं और साथ में हम श्रमिक भी हैं, हम कांग्रेसी भी हैं और कोयला श्रमिक भी हैं, हम दोनों हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा हित जो है, श्रमिक का हित किसने देख रहा है, हम देख रहे हैं कांग्रेस जो है वो हमारा श्रमिक हित देखेगा, इसलिए हम उनके साथ में हैं। क्या इस राज में, मोदी के राज में श्रमिक का हित नहीं हुआ है? ना, बहुत सारे अन्याय हुए हैं श्रमिक के प्रति, अन्याय बहुत हुए हैं, जैसे लेबर यूनियन का डिमोलिश करना, ये लेबर एक्ट में डिमोलिश करना, उसमें बदलाव करना, जिसमें श्रमिकों को बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन वो तो कह रहे मैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीब का बच्चा, उसमें नो डाउट वो गरीब के बच्चे हैं, वो अच्छे हैं, नो डाउट, मगर श्रमिक हित, हम अपना हित देखेंगे, श्रमिक हित किस में है? श्रमिक हित जो है कांग्रेस के साथ में है।